बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया, सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया, उतने उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ सच, उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुँचा, 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का और किसान का इनकम डबल करने का, MSP बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था MSP का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं, कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया।